आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि ये दिया किसने था। ये दिया था एंटोनी लवोइजर ने। किसने दिया था? एंटोनी लवोइजर। इट वाज गिवन बाय एंटोनी लवोइजर। क्या बोलता है मास? दो तरह से हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट ये है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितने भी हमारे पास फिजिकल चेंज होते हैं या फिर जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें जो रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास भी होगा, कोई चेंज नहीं होगा मास में, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम इस तरह से भी मास को बोल सकते हैं, मास या फिर मैटर। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे एग्जांपल दे रखा है, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसका जितना मास होगा उतना ही मास इसका होगा, चेक करके देख सकते हैं। बट ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसकी जो एक्सेप्शन है वो बहुत पूछी जाती है। तो इसकी एक्सेप्शन जो है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर एक इसकी ऐसी एक्सेप्शन है जिसमें रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना मास प्रोडक्ट का नहीं होता, बिकॉज ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट का मास ज्यादा होता है। तो ये इसकी एक्सेप्शन बन जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अगर कोई पूछता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर हमसे कोई पूछता है कि प्रूफ करने के लिए बोलता है कि एग्जांपल देके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो यह हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, CaO प्लस CO2। तो हम चेक करते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास है क्या वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है। तो CaCO3 जैसे हमने देखा, कैल्शियम का मास कितना होता है 40, प्लस कार्बन का मास कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 16, 3 जा 48, और 48 प्लस 12 कितना होता है 60, और 60 प्लस 40 100। तो रिएक्टेंट का मास यहाँ पे आ गया 100। अब हम चेक करते हैं CaO का मास कितना है। तो कैल्शियम का मास होता है 40 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 40 प्लस 16 होता है 56, और CO2 का मास जो है यहाँ पे कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 16, तो 12 प्लस 2 इंटू 16, 16 टू जा कितना होता है 32, और 32 प्लस 12 कितना होता है 44। तो यहाँ पे अगर हम CaO और CO2 का मास को ऐड करते हैं तो ये भी कितना आता है 100। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर है? मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। तो सिंपल सा लॉ है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लेवोइजर ने दिया था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसकी एक ही एक्सेप्शन हमारे पास आती है, वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या एक्सेप्शन है इसकी? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आज की वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।